Hello, friends, welcome to Mining Mirror and welcome to the second part of the Mining Made Unrestricted Metal Questions and Solutions. In this video, we are going to cover another 35 questions. In the first part of this uh, series, we had covered 35 questions, and if you want to watch that first part, you can click on the I button, which will be available on your uh, right side upper part of your screen. And, uh, friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel, and uh, if you like this type of videos, please hit the like button and share with your friends. I hope this will be very helpful in your upcoming examination. Let's get started. Question number thirty-six. A place shall not deem to be in a safe state for persons to work or pass there in if it contains more than dash percentage of carbon dioxide. ये वाला एमएमआर 1961 वेंटिलेशन का चैप्टर में है रेगुलेशन नंबर 131. इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग का ऑक्सीजन लेवल बिल्लो 19 परसेंट होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज वो मोर देन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट होता है तो वो सेफ प्लेस में नहीं माना जाएगा तो आंसर विल बी ए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन व्हाट इज पाउडर फैक्टर पाउडर फैक्टर क्या है जैसे हम पिछला वीडियो में बोले थे कि पाउडर फैक्टर होता है कि के पर के जी एक्सप्लोसिव कितना टनज आपका मेटल आप ब्लास्टिंग कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं पाउडर फैक्टर तो आंसर विल बी ऑप्शन सर टर्निज ऑफ ओर ऑप्टेंट फॉर हंड्रेड के जी ऑफ एक्सप्लोसि टर्स ऑफ ओर ऑप्टेंट फॉर नंबर ब्लास्ट अराउंड थर्टी एट इन हुई सेक्शन ऑफ माइन्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू प्रोविजन ऑन ऑकुपेशनल हेल्थ सर्वेड ऑकुपेशनल हेल्थ सर्वे आंसर ए जैसे हम आपको बोले थे कि एक छोटा सा पर्ची बना के रखिएगा जो रेगुलेशंस होते हैं और रिलेटेड उसका क्या एक्सप्लेनेशन है उसको आप बना के रखिएगा तो वो याद रहने में थोड़ा सा आसान होगा तो आंसर विल बी नाइन ए आंसर विल बी बी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन हुइच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स इमोसन एक्सप्लोसिव हैज द हाइस्ट वी ओ अमंग द कमर्शियल एक्सप्लोसिव इमोसन एक्सप्लोसिव आर सेंसिटिव टू इंपैक्ट ड्यू टू देर हाई वी ओडी इमोसन एक्सप्लोसिव हैज बेटर स्टोरेज लाइफ तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इमोल्स एक्सप्लोइ हेज द हाइस्ट व्यूडी अमंग द कमर्शियल एक्सपो वो ट्रू है इमोल्स एक्सप्लोज आर सेंसिटिव टू इम्पैक्ट देर हाई वो फॉल्स है विमोसन एक्सप्लोजिव हेज ए बेटर स्टोरेज लाइफ यस तो आंसर क्या होगा तो ऊपर वाला ट्रू उसके बाद फॉल्स उसके बाद ट्रू तो आंसर विल बी टी एफ टी सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी हुई चीज़ चीजें प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर बेल्ट में जो सेफ्टी फीचर्स होता है जो सेफ्टी डिवाइसेस लगा रहता है उसमें से इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन है एक है पुल पुलकड़ जीरो स्पीड स्विच बेल्ट स्वे ऑल ऑफ दिज आंसर बी ऑल ऑफ दिस डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन व्हाट डज वी ओडी मीन्स ऑबियसली वेलेसिटी ऑफ डेटोनेशन आंसर उल बी बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू

हुई ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू प्रीवेंट साइड फॉल एक्सीडेंट्स इन ओपन कास्ट माइंड जो साइड फॉल होता है उसके चलते जो एक्सीडेंट होता है ओपन कास्ट माइंड में उसको कौन सा प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं हाइट एंड हुई ऑफ द बेंचेस सल बी आज पर द रेगुलेशन येस फेस सल नॉट तो बी पार्लल टू द फॉल्ट येस अंडरकटिंग सेल बी प्रिवेंटेड येस ब्लास्टिंग सेल बी रेगुलेटेड टू तो अवॉइड बैक ब्रेक्स आंसर बी ऑल ऑफ दी ई क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव वट प्रॉशंस टू बी टेकन फॉर द मेंटे वेस्ट डम्प वेस्ट डम्प का मेंटेनेंस के लिए कौन सा कौन सा प्रिकॉशन हम लोग लेना चाहिए मेंटेन स्लोप स्लोप मेंटेन करना पड़ेगा मेंटेन येस मेंटेन हाइट ए एंड बी ऑल ऑफ दिस आंसर बी ऑल ऑफ दिस बी ई क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एनी स्पॉय बैंग एक्सेड्स डैस इन हाइट शाल बी बेंस्ड कितना हाइट होने से उसको बेंचिंग करना पड़ेगा आंसर बी थर्टी मीटर्स आंसर बी डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वेलफेर ऑफिसर इज रिक्वाड इन एवरी माइंड इन डैश और मोर पर्सन आर ऑर्डिनली एम्प्लॉयड कितना आदमी ऑर्डिनली एम्प्लॉयड होने से वहां पर वेलफेयर ऑफिसर हम लोग को रखना पड़ेगा e. रूल्स है उसमें ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट बेंच हाइट इज सिक्स मीटर डेप्थ ऑफ दॉल इज सिक्स मीटर स्पेसिंग इज फाइव मीटर बॉडन इज फोर मीटर डेंसिटी ऑफ द रॉग इज टू एक्सप्लोसिव यूज इन इज ट्वेंटी फोर के जी फाइंड द पाउडर फैक्टर तो फाउडर फैक्टर यहाँ पे बोला है मतलब कितना टनेज हम लोग एक के जी एक्सप्लोसिव में हम लोग इल्ड करेंगे तो उसको पाउडर फैक्टर बोलते हैं तो यहाँ पर एक ब्लॉग यहाँ पर इमेजिन करें जैसे हम यहाँ पर दिखाए हैं स्पेसिंग जो फाइव मीटर यहाँ पर लिखा है वो हो गया आपका स्पेसिंग होल टू होल ठीक है और चार मीटर हो गया बर्डन मतलब राइट साइड तरफ हो गया फ्री फेस तो वो हो गया बर्डन और डेप्थ जो है जो हाइट ऑफ द बेंच इसको बोलेंगे वो हो गया सिक्स मीटर तो इमेजिन करिए वो ब्लॉक को तो उसमें लिखा है तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसका वॉल्यूम निकलेगा वो ब्लॉक का तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर तो हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी उसके बाद उसका रॉक का डेंसिटी क्या दिया है टू तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ये हो गया मीटर क्यूब उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे टू से तो टू डेंसिटी uh, uh, क्या होता है मास पर वॉल्यूम तो मास हो गया के टर्नेस टर्नेज पर मीटर क्यूब ओके तो वहाँ पर हो गया क्या वन ट्वेंटी इंटू टू टू फोर्टी उसके बाद हो गया कि एक्सप्लोसिव जो यूज हुआ है वो ट्वेंटी फोर के जी मतलब जो छः मीटर का जो हाइट है बेंच का उसमें यूज हो गया ट्वेंटी फोर के जी एक्सप्लोसिव यूज हुआ है तो पर तो हम लोग को यहाँ पर कितना मिला इल्ड टोटल टर्नेज कितना मिल रहा है टू फोर्टी टन और हम लोग का एक्सप्लोसिव कितना है ट्वेंटी फोर के जी तो हम लोग का इल्ड कितना हुआ टेन तो आंसर आंसर बी 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 टेन सिंपल कैल्कुलेशन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इनिशियल ओपनिंग मेड ऑन अर्थ सर्फेस टू डेवलप सर्फेस माइन इज कॉल्ड रैम्प रोडवे बक्सकट बेंच नॉन ऑफ बी बक्सकट जो पहला ओपनिंग करते हैं हम लोग आंसर विल बी सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी लेड रूम इज लेंथ ऑफ द स्पलिट्स हम लोग पहले भी बात किए थे कि स्प्लिंट्स जो मिलता है स्प्लिंट्स जो रहता है फास्टेड रोम में वहां पे वो तीन साइज का रहता है 1.4, 0.9, 0.3 मीटर का तो यहां पे ऑप्शन क्या है हैट इज द लोडिंग डेंसिटी ऑफ एन एक्सप्लोसिव हैविंग डेंसिटीं थ्री ग्राम पर सीसी इन ए हंड्रेड एम एम डाया होल तो एक जो होल है इमेजिन करिए जो होल हम लोग करते हैं कोई भी ग्राउंड में तो होल किस तरह से होता है एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है तो उसी का इमेजिन करिए कि उसका डायमीटर हो गया हंड्रेड एम और उसका डेंसिटी जो एक्सप्लोसिव का है वो हो गया वन पॉइंट थ्री ग्राम पर सी उसके बाद लोडिंग डेंसिटी पूछ रहे हैं मतलब लोडिंग डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक मीटर का डेप्थ को लेके तो एक होल हो गया उसका एक मीटर का जो डेप्थ है वो आपको मिल गया लोडिंग डेंसिटी आपको मिल गया और डायमीटर मिल गया तो हम लोग को पहले कैलकुलेट करने पड़ेगा कि एक मीटर का जो होल का डेप्थ है उसका वॉल्यूम कितना है तो वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो आ जाता है सिलेंडर का सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच एच हो गया हाइट तो उसी के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करिएगा कि पाई आर स्क्वायर आर क्या है डायमीटर रेडियस ऑफ द होल तो डायमीटर हंड्रेड एम mm एम दे दिया तो रेडियस कितना हुआ फिफ्टी एम एम तो पाई इंटू फिफ्टी एम mm एम स्क्वायर इंटू वन मीटर इंटू लोडिंग एक्सप्लोसिव डेंसिटी 1.3 ग्राम पर सीसी सी उसको के जी और मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो आंसर विल भी 10.20 पॉइंट पर मीटर ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी जो ब्लास्टर्स का सीरीज है और जो माइनिंग मेट का सीरीज है उसमें भी ये वाला कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं इसीलिए मैं इसमें वो कैलकुलेशन नहीं दिखाया तो आंसर विल भी टेन पॉइंट पर मीटर आंसर विल भी डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू एयर प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ड्रिलिंग एक स्मूथ ड्रिलिंग के लिए अगर एयर प्रेशर हम लोग यूज करते हैं तो स्मूथ ड्रिलिंग के लिए कितना मिनिमम चाहिए तो आंसर विल बी सिक्स बार आंसर विल बी डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री हुई सेंटेन इज ट्रू और फॉल्स केस और कंटेनर प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग डेटोनेटर्स इज कंस्ट्रक्टेड बाई हेवीली गल्वनाइज्ड यस टू टाइप्स ऑफ डेटोनेटर्स मे बी केफ्ड इन द सेम कंटेनर फॉल्स द की ऑफ एक्सप्लोसिव कंटेनर इज क्रिएट बाय द ब्लास्टर और इज हेल्पर नो ब्लास्टर के पास ही रहता है हेल्पर पास नहीं रहता नहीं रहता है तो जो सी ऑप्शन है वो भी फॉल्स है तो टी एफ एफ टी एफ एफ आंसर बी ई क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर वट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ब्लास्टिंग ए शॉर्ट होल एक शॉर्ट होल ब्लास्ट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है सीक्वेंस क्या होता है पहले हम लोग क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको सीक्वेंस बोलते हैं तो जैसे ऑप्शन क्या हो गया क्लीनिंग ए शॉर्ट होल प्राइमिंग ऑफ चार्ज चार्जिंग ऑफ होल स्टेमिंग ऑफ शॉर्ट होल फायरिंग ऑफ द शॉर्ट सेकेंड ऑप्शन प्राइमिंग ऑफ द चार्ज कभी नहीं होता है पहले हम लोग को शॉर्ट होल को क्लीन करना पड़ता है तो क्लीनिंग ऑप्शन किस में है पहले कोई भी ऑप्शन में क्लीनिंग ऑफ द शॉर्ट होल नहीं है तो आंसर वो भी ए क्लीनिंग ऑफ द शॉर्ट होल उसके बाद प्राइमिंग करिएगा चार्ज को उसके बाद चार्जिंग चार्ज करिएगा होल को उसके बाद स्टेमिंग करिएगा उसके बाद फायरिंग है तो आंसर बी ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव यूज ऑफ एमोनियम नाइट्रेड फोयलॉल शल बी स्पेसिफाइड बाई जो यूज करते हैं हम लोग एमोनियम नाइट्रेड फोयल मतलब एनफो ब्लास्टिंग के लिए वो एक्चुअली स्पेसिफाई कौन करता है वो स्पेसिफाई करता है डी जी एम एस के तरफ से तो ये तो डीजीएमएस की तरफ से तो यहाँ पर भी दो पार्ट हो गया देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है जनरल मैनेजर माइनस मैनेजर एजेंट वो तो कट गया बाकी रहा है डी जी एम एस की तरफ से डीजीएम की तरफ चीफ इंस्पेक्टर है रीजनल इंस्पेक्टर है तब तो आंसर विल भी चीफ इंस्पेक्टर आंसर विल भी डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स द थ्री स्टेप्स टू हजर कंट्रोल आर तो हजार कंट्रोल करते हैं उसका थ्री स्टेप क्या क्या है कंट्रोल द हजार मेक द चेंज एलिमिनेट द रिस्क आइडेंटिफाई द हजर असेस द रिस्क एंड मेक द चेंज आइडेंटिफाई द रिस्क कंट्रोल द चेंज एंड मेक द हजर सेफ देखिए पहले होता है कि आप हजार को आइडेंटिफाई करिए हजार कहाँ पे है उसके बाद उसके साथ क्या क्या रिस्क के है एसोसिएटेड उसको कैलकुलेट करिए उसके बाद उसका मिटिगेशन या मेजर्स लेने करिए या कुछ भी चेंज करना है या कुछ भी एलिमिनेट करना है जो भी करना है चेंजेस उसको करना है तो आंसर विल बी बी आइडेंटिफाई द असेस द रिस्क एंड मेक द चेंज तो पहले आपको हजार आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन इज एमएम पर सेकंड मिलीमीटर पर सेकंड आंसुल बी ए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट हुई ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अकोमलेसन ऑफ वाटर नियर द ओबी डंप जो ओबी डंप है उसका नीचे अगर अकुमलेसन होता है उसका इफेक्ट क्या आएगा इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द ओ डम्प इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दी डम्प डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ़ द ओबी डम्प हैज नो इम्पैक्ट ऑन द ओबी डम्प और नॉन ऑफ दिज आंसूल बी अगर पानी रहता है तो उसका जो तो स्टेबिलिटी रहता है ओबरबर्डन डम्प का वो कम हो जाता है आंसुल बी सी

अदर कंपेन पर्सन होल्डिंग मैनेजर सर्टिफिकेट येस एनी अदर कम्पिनट पर्सन होल्डिंग फोर मैन सर्टिफिकेट तो आंसर वल बी ए बी एंड सी आंसर उल बी ई तीनों हो सकता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वर्कमैन्स इंस्पेक्टर इज डेजिग्नेटेड बाय डैश इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द माइंड वर्कमैन इंस्पेक्टर जो हम लोग उसको डेजिग्नेट करते हैं जो ट्रेड यूनियन से रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन से बात करके वो कौन डेजिग्नेट करता है तो आंसर विल बी ओनर एजेंट और मैनेजर तो आंसर विल बी सी क्योंकि डी जी एम एफ्टीसर ट्रेड यूनियन कोई भी इसको नहीं करता है ये ओनर एजेंट और मैनेजर करते हैं ये आपको नाइनटीन फिफ्टी फाइव माइंस रूल में मिल जाएगा तो आंसर विल बी सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द टो ऑफ ए स्पॉयल बैंक सल नॉट बी एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट विद डैश ऑफ ए माइन ओपनिंग रेलवे और पब्लिक रोड आंसर विल बी हंड्रेड मीटर आंसर विल बी सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू नो पर्सन सल एक्ट एज ए ब्लास्टर इन ए माइंड आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ डैस ऑनलेस ही हैज़ अटेंडेड विद इन द प्रोसीडिंग वन ईयर ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सर्टिफाइंग हिम टू फिट टू कैरी आउट द ड्यूटीज इज फॉर हिम इन द एक्ट और इन द एंड इन द रेगुलेशन एंड द ऑर्डर मेड देयर अंडर तो कितना साल के बाद वो ब्लास्टर के पोजिशन में नहीं रह सकता है अगर उसके पास कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं रहता है एक साल के अंदर उसको लेना पड़ता है वो सर्टिफिकेट तो उस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस उसको सर्टिफाई करना पड़ता है तो आंसर आंसर थर्टी वन रिटायरमेंट एज फॉर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल एटसेट्रा इसमें पर्टिकुलर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री हुई सेंटेन इज ट्रू और फॉल्स ऑल होल्स चार्ज्ड ऑन एनी वन डे मे जनरली बी फायर्ड ऑन द स्सिक्वेंट डे फॉल्स प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन वन हंडी फोर ऑफ़ दाइनटीन सिक्सटी वन इज रिगार्डिंग टेकिंग शेल्टर विद इन द डेंजर जोन यस ट्रू वैन दैर इज अ पब्लिक रोड विद इन द डेंजर जोन एज पर प्रोविजन एम एन नाइनटीन सिक्सटी वन द सेफ्टी ऑफ द रोड पार्सल ड्यूरिंग द ब्लास्टिंग इज इन्शुड ओनली बाई ब्लोइंग एन एफिशियंट हुटर नहीं खाली हुटर ब्लॉक करने से अगर आपका कोई रोड है तो उसका सेफ्टी एंश्योर नहीं किया जा सकता उसमें दोनों साइड में दो आदमी आपको रखना पड़ेगा उसका गार्डिंग के लिए तो आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर इफ एनी डेंजर इज ऑब्जर्व बाय माइनिंग मेट व्हाट एक्शन ही शाल टेक अगर कोई माइनिंग मेट को कुछ डेंजर उसको पता चला ऑब्जर्व किया उसको क्या एक्शन वो लेगा विड्रा ऑल पर्सन फ्रॉम द सच प्लेस येस वो कर लेगा सैलेंट लीव सच प्लेस अनटिल डेंजर हैज इन रिमूव इन हिज प्रेजेंस येस इफ डेंजर इज़ नॉट रिमूवड देन फेंसड ऑफ ऑल द अप्रोचेज टू सच प्लेस टू प्रिवेंट एडवेंटली एंट्री ऑफ एनी पर्सनस इधर वो उड्रा कर लेगा सारे लोगों को वहाँ पे वहाँ उसको छोड़ के नहीं जाएगा जब तक वो वाला डेंजर रिमूव नहीं होता है तो डेंजर अगर नहीं हो पाता है तो उसको एरिया को वो फेंस कर देगा ताकि और कोई आदमी उसमें ना जा पाए तो आंसुल भी डी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव फास्ट एड इक्विपमेंट एल बी प्रोवाइडेड इन फास्ट एड स्टेशन आज प्रेस्क्राइब्ड इन डैश ऑफ माइन रूल नाइनटीन फिफ्टी फाइव कौन सा शेड्यूल में रहता है जो फास्ट एड का इक्विपमेंट रहेगा फास्ट एड स्टेशन में फास्ट एड रूम में नहीं फास्ट एड स्टेशन में आंसर उल बी थर्ड शेड्यूल और जो फास्ट एड रूम में रहेगा वो है सेकेंड शेड्यूल में तो आंसर उल बी सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स हीरा स्टार्ट फॉर वाट सिंपल है हजार्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस अगर जैसे ये जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना इसमें बहुत सिंपल है इसको पहचानना हजार्स आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस हजार्स इन रनिंग एयर होगा नहीं हजार इन अ राइट एक्सिस हजार्स इन रिवर्स एंगल नॉन ऑफ दिस वो सिंपल है लेकिन अगर आपको क्लोज में कुछ रहेगा वैसे हजार्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क अनला ऐसे करके लिखेगा तो आपको सही तरह से पढ़ना पड़ेगा तो आंसर वोल बी हजार्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस आंसर वुल बी ए क्वेश्चन नंबर फिलिंग अप ऑफ माइंड आउट एरिया इन ओपन कास्ट माइंड इज नोन एज ऑप्शन स्ट्रेंचिंग रिक्लेमेशन सल्वेजिंग क्वेश्चन नंबर डिफरेंशियल इन्फॉर्मेटरी इज यूज टू मेजर सब मिलीमीटर मूवमेंट्स ऑन ए रफ रॉक फेस इज इन ऑप्शन है स्लोप स्टेबिलिटी राइडर सिस्मिक रॉडर प्रिजिम मोनिटर डिजिटल फोटोमीटर पिजोमीटर आंसर विल भी स्लोप स्टेबिलिटी राइडर जो यहाँ पे फोटो हूं वो स्लोप uh, का स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए वहाँ से थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है ना इवन सब मिलीमीटर अगर फ्रैक्शन थोड़ा सा मूवमेंट होता है वो उसको कैच कर लेता है या उसको इंफॉर्मेशन दे देता है तो आंसर विल भी ए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इन ओपन कास्ट माइन्स द हाइट ऑफ द बेंचेस इन द ओवर बड़न ओवरबर्डन एंड द रॉक फॉर्मेशन साल द डिगिंग हाइट ऑफ और रीच ऑफ द एक्सट्रैक्शन मशीन एंड द विथ बी लेस दैन यहाँ पे विथ के बारे में पूछ रहे थे विथ साल बी लेस दैन ऑप्शन सर विथ्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस टू मीटर इफ द डंपर प्लाई ऑन द बेंच थ्री टाइम्स ऑफ द उथ ऑफ दाइडेस्ट डंपर हाइट ऑफ द बेंच लार्जेस्ट ऑप्शन ए बी सी तो इसमें होगा कि सारा ऑप्शन में से जो सबसे हाईएस्ट होगा जो सबसे ज्यादा उर्थ होगा वही वाला एक्सेप्टेड होगा तो आंसर विल बी डी लार्जेस्ट ऑफ ऑप्शन ए बी एंड सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आर एम आर स्टैंड फॉर व्हाट? आर एम आर रॉक मिन रेटिंग रेटिंग मास रॉक रॉक मास रेटिंग रेयर मास रेटिंग नॉन ऑफ दिस आंसर विल बी रॉक मास रेटिंग आंसर विल बी सी सो फ्रेंड्स अभी हम लोग इस वीडियो में टोटल कवर किए अनदर थर्टी फाइव क्वेश्चन अप टू सेवेंटी एंड आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर इन्फॉर्मेशन अनदर सब्जेक्ट थैंक यू